मंत्री मनीष सिसोदिया जी की जब बेल रिजेक्ट की है तो उसने उसमें कहा क्या है मैं आपके सामने उद्वृत कर रहा हूं आई एम रेफरिंग इन फ्रंट ऑफ यू एडिशनली द कोर्ट नोटेड देर वर सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ सिसोदिया डिस्ट्रॉइंग टेम्परिंग विद एविडेंस और इवन इन्फ्लुएंसिंग सम प्राइम विटनेस इन केस इफ ही वॉज रिलीज ऑन बेल आगे के बिंदु में कहा है द एविडेंस कलेक्टेड सो फॉर बाय सीबीआई नॉट ओनली शोज एप्लीकेट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दबिनो द द पीसी एक्ट बाय हिम और जो अगली लाइन है वो मूल कारण है जिसके लिए वो सारा स्वांग हैं अगला ऑब्जर्वेशन है सिसोदिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ आम आदमी पार्टी उूज ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेली एक्साइज पॉलिसी टू फैसिलिटेट मोनोपोलाइजेशन एंड कार्टलाइजेशन ऑफ द लिक्वेड ट्रेड इन डेली मतलब अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अन्यान्य लोग भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा यह शराब नीति को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार थे अब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं माफी मांग चुके हैं इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे और इसीलिए यह इस प्रकार का स्वांग रचना की जो चीज पब्लिक डोमेन में है जो चीज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना तो ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करना ही नहीं मैं कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आपके सामने पुनः उसका मेंशन कर रहा हूं फर्दर डिस्पाइट द डिग्री इन क्वेश्चन बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ द पेटिशनर यूनिवर्सिटी फॉर ऑल टू सी डिस्पाइट दिस फैक्ट बीइंग मेड एक्सप्रेसिवली क्लियर विथ प्रसिजन इन द प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट एंड डिस्पाइट द रिस्पॉन्डेंट नेवर डिस्प्यूटिंग द डिग्री इन क्वेश्चन आई दूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस प्रोसीडिंग और इवन ड्यूरिंग द फाइनल हियरिंग यानी जब यह प्रक्रिया न्याय मिले चल रही थी ना आपने कभी उस विषय का संज्ञान लिया ना कोई आपत्ति दर्ज की और ना अंतिम निर्णय के समय किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की एंड द रिस्पोंडेंट नंबर टू हैज परसिस्टेड विदर दिस इज वन मोर रीजन टू इंपोज कॉस्ट ऑन द पिटिशन इसका मतलब यह हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के लिए संवैधानिक उपकरणों को दुरुपयोग करने की दृष्टि से आपने एक आप किया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अद्भुत पॉलिसी दी थी एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री एक नॉर्मल कहावत में प्रयोग होता है ना कि फ्री की रेबड़ी पर यहां सबसे ज्यादा फ्री की रेबड़ी बेवड़ों को मिली थी एक पौ के बदले एक पौवा फ्री और जब ज्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुलन खो जाता है मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते भी चले जा रहे हैं निम्नता पे भी आ रहे हैं और कोर्ट से भी फटकार पा रहे हैं मगर दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा शैली भाव भंगिमा मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं वन होता है द वर्ड्स द लेटर्स द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की है यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनीतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं मगर ऐसा नहीं है पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं ये बात इसलिए मैं कह सकता हूं ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं हैं मतलब आप समझ रहे हैं किसी फाइल पे साइन नहीं करते लिखते कुछ नहीं कोई भी भाग नहीं रखते सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे लिखेंगे नहीं सिर्फ पढ़ेंगे ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे लिखेंगे नहीं लिखवाएंगे दूसरे से ताकि निपटेगा दूसरा इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी चीजें आपस में गुथी हुई हैं कि जो कभी लिखे नहीं सिर्फ पढ़े की बात करे इसीलिए तरह तरह के स्वांग रचना और यह तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी के बारे में ही कह दिया तो उन्हें बरगलाया गया है ये गुरु नहीं है गुरु घंटाल है ये स्वांग रचने वाले हैं इनको क्या क्या संज्ञा दी जाए नटवर लाल है क्यों यह बात मैं विनम्रता से प्रदृढ़ता से कहता हूं कौन भूल सकता है कि वो पार्टी है जिसने खड़े होकर राजनीति में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है ये वो पार्टी है जो टोपी लगा के आते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल कहां गई आज वो टोपी जनता को पहना दी चलिए दिल्ली में कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है एक साल हो गया पंजाब में कहा है आपका वो जन लोकपाल ये वो पार्टी है जिन्होंने गठन के अंदर सबसे जल्दी सत्ता में आए चंद महीनों में मगर ये वो पार्टी है जिन्होंने कसम खाई थी आपको याद हो अगर पुरानी फिल्मों में कई बार होता था ना कि जो विलन भी होता था वो भी जब कोई झूठ बोल रहा होता था तो उसके परिवार वाले अगर कहें कि फलां की कसम खाओ तो वो चुप हो जाता था याद है ना आपको मगर यहां तो कसम खाली पलट गए वो वेगनार हरी बत्ती वाली कहीं नहीं दिखती मैं बंगला नहीं लूंगा ले लिया सिक्योरिटी नहीं लूंगा ले लिया मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं एक बिंदु बताइए जिसके ऊपर इन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा हो इसलिए हम लोगों इनके लिए इस प्रकार की बात कहते हैं कि ये बहुत ही बड़े स्वांग रचने वाले व्यक्तियों में से एक अब मैं एक बात करना चाहता हूं एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं जो वही व्यक्ति है ना तो आईआईटी ग्रेजुएट है याद करिए जब देश में कोविड की सेकेंड लेयर चरम पे थी लहर चरम पे थी क्या बोले थे कि वैक्सीन सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देते सब बना ले वैक्सीन का फॉर्मूला दे दे बोले थे कि नहीं अरे मान्यवर आप आईआईटी के पढ़े हुए हैं वैक्सीन का फॉर्मूला कोई चूरन है जो सब बना लेंगे सब बनाने के अधिकृत हैं अगर ऐसा ही होता तो उसी समय में अमेरिका जैसे देश ने पैरासिटामोल भारत से आयात की है पैरासिटामोल जैसी फंडामेंटल तो वो आराम से मंगा सकते थे ये होता है बरगलाना ये वो पार्टी है जिसने अप्रैल 2021 में आकर पढ़े लिखे होने की बात करते हैं ना ये कहा कि बच्चों का वैक्सीन हमने विदेश भेज दिया जबकि अप्रैल 2021 तक भारत तो क्या दुनिया में बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था और किस मुद्दे के ऊपर क्योंकि मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना चाहते थे ऐसा नहीं है ये पढ़े लिखे जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जिसे हम लोग की तरफ एक कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो वो प्रबुद्ध मूड हो जाते हैं कहावत होते ना ज्यादा सयाना कौआ आप अपने आप समझ सकते हैं मैं किसी के प्रति शाब्दिक न लिया जाए इसको मैं केवल इस दृश्य से कह रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है बहुत समझदार हैं, बहुत चतुराई के साथ बहुत चालाकी के साथ राजनीति को किस ढंग से निम्नता पर ले जाने का या प्रयास कर रहे हैं इस कारण से हम लोगों के मन में इस विषय पर आक्रोश है और हम साफ यह पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी आप इधर उधर की बात मत करिए आप यह बताइए कि आप देश के इतिहास की पहली पार्टी है जिनके मंत्रियों ने जेल से रहकर सरकार चलाई है सात लोगों के मंत्रिमंडल में दो लोग जेल में और भिन्न भिन्न आरोपों में पिछले आठ दस वर्षों में कितने ही मंत्री इनके बर्खास्त तो जेल में जा चुके हैं और उसके बाद